हेलो व्यूअर्स, सो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शीतल जी, जो कि अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं. एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद रिस्पेक्ट टू बैक टू बैक क्वेश्चंस विद हिम, सो मैं आपको बता दूं कि वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो शीतल जी ने TCS में एज अ प्रोसेस एसोसिएट भी काम किया है. प्रोसीडेड बाय उसके बाद उन्होंने एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो है इंटीग्रिटी के साथ भी वर्क किया है. एंड नाउ कंग्रेचुलेशंस टू यू शीतल, बिकॉज ही हैज नाउ बीन प्लेस्ड इन कॉन्फिएंस एज अ सीनियर टैक्स प्रिपेयर. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा है, और उसके बाद आपने अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताइए. जी, टू यू शीतल. या थैंक यू मैम फॉर द इंट्रोडक्शन. एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड इन इन द 11th 12th द कॉमर्स एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड आफ्टर द 12th आई हैव परसुइंग द बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वेयर आई हैव टू डेवलप द वेबसाइट्स एंड द कोडिंग पार्ट एंड आफ्टर द बीसीए आई हैव परसुइंग द एमबीए फ्रॉम द गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन 2019 ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव एमबीए. जॉइंड द ओके या मैम उसके बाद मैंने TCS ज्वाइन किया. 3.5 ईयर वहाँ पे काम किया. उसके बाद मैंने इंटीग्रिटी ज्वाइन किया और इंटीग्रिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे काफी अच्छा मालूम पड़ा ईए के बारे में कि अपने ईए कर सकते हैं और ईए में आपको ऐसा टैक्स प्रोफेशनल काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ईए क्लियर करने के बाद एंड ऑल्सो वी गेट अ लाइसेंस ऑफ द साइनिंग द टैक्स रिटर्न. तो फिर मैंने ईए करना स्टार्ट किया एंड अभी मेरे को इंटीग्रिटी में नियर बाय 1 ईयर होने आया है और अभी मैंने कॉन्फियंस में से इंटरव्यू क्रैक किया है तो ऐसा सीनियर टैक्स एसोसिएट. तो वहां पे मेरा मेन मेन वर्क है अदर रिव्यू दी वर्क ऑफ अदर पर्सन जो लोग दूसरा लोग काम करेंगे उनके काम को रिव्यू करना कि दे आर वर्किंग करेक्ट और नॉट फॉर देयर प्रिपेयरिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स. यस मैम. ठीक. तो जैसे कि अभी हमने आपको वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो डिस्कस कर लिया है, एंड ये चीज़ पूरी तरह से अब क्रिस्टल क्लियर है कि आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है US टैक्सेशन के अंदर, इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट आपका कुछ भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन किसी भी फील्ड का है, तो आप डेफिनेटली एनरोल्ड एजेंट कोर्स परस्यू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि US टैक्सेशन की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं. तो मेरा तो जो पहला क्वेश्चन इसी के विद रिस्पेक्ट टू होगा, स्कोप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू US टैक्सेशन इन इंडिया एंड अदरवाइज ऑल्सो ग्लोबली. इन इस अगर स्कोप की बात करें तो लॉट्स ऑफ स्कोप अवेलेबल है यूएस टैक्सेशन में बिकॉज एज ऑफ नाउ यूएसए में बहुत सारे सीपीए फर्म्स होते हैं. इंडिया में जिसे सीए फर्म्स होते हैं यूएसए में से सीपीए फर्म्स होते हैं और वो सीपीए फर्म्स इस समय हेविली आउटसोर्स कर रहे हैं. उनको ऐसा है कि अपना काम इंडिया में से लोग पे करवाना है क्योंकि हम लोग वही काम काफी बेटर प्राइस में और काफी बेटर अच्छी तरह कर देते हैं इसलिए वो लोग हमको बहुत हेविली काम दे रहे हैं. और अभी अहमदाबाद में तो यूएस टैक्स प्रिपेयर के लिए काफी डिमांड है एज ऑफ नाउ. फ्रेशर एक्सपीरियंस एज वेल एज प्रिपेयर रिव्यूअर साइनर आपको हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एज पर योर नॉलेज. आपकी नॉलेज होगी उस हिसाब से आपको पैकेज भी मिलेगा और सामने आपको अच्छी पोजिशन भी मिलेगी. तो स्कोप तो अच्छा है और ये करने से एक मेन बेनिफिट ये है कि आपके पास एक डिग्री होगी और आपके पास लाइसेंस होगा उसको साइन करने का. जैसे कि इंडिया में सीए के पास लाइसेंस होता है ऑडिट करने का टैक्स टैक्स पर अकाउंट ऐसे यूएसए में ईए करने के बाद आपके पास लाइसेंस होता है टैक्स रिटर्न को साइन करने का. तो फिर अभी अपॉर्चुनिटी भी है और स्कोप भी वर्ल्ड वाइड नॉट ओनली इंडिया. अगर आप ईए करने के बाद यूएसए जाते हो तो भी आपको 60, 65 या 70,000 डॉलर की आपको जॉब मिल सकती है यूएसए में भी और इंडिया में भी काफी अच्छा स्कोप है अगर अपने इसमें कंटिन्यू करें. एक अगर किसी व्यक्ति का 5 साल का यूएस टैक्स रिटर्न एक्सपीरियंस है तो उसको भी काफी अच्छा पैकेज मतलब हाई फाई पैकेज मिल सकता है इंडिया में ऐसा टीम लीड रोल पे. यहाँ पर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे कि आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा पैकेज इंडिया में भी जैसे जा सकता है, तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इतना एक्सपीरियंस के बाद आप किस हायरार्की में, किस लेवल तक US टैक्सेशन का, उसमें आप अगर रेमुनरेशन की बात की जाए, डेजिग्नेशन की बात की जाए, तो अपने को आप किस ऑर्गेनाइजेशन के किस लेवल तक देख सकते हैं. जी, टू यू शीत. अगर अभी अभी देखा जाए तो ऐसा मैं सीनियर प्रोसेस सीनियर टैक्स प्रिपेयरर वर्क कर रहा हूँ ऐसा रिव्यूअर. लेकिन अगर हम थोड़ा 2-3 साल और आगे चले तो हम जी लोग एक टीम को लीड कर सकते हैं उसमें. जैसे कि हमारी टीम के अंदर 5 to 7 या 10 पर्सन होंगे जो लोग टैक्स प्रिपेयर करते हैं. तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह रिव्यू कर सकते हैं दूसरों के काम को कि उन्होंने करेक्ट काम. क्योंकि टैक्स प्रिपरेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन आती हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ रूल्स हैं रेगुलेशन हैं IRS के उनको समझना और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना. और इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है 10 साल या 8 साल का
तो आप टेस्ट प्लानिंग में भी जा सकते हैं, तो वहां पे ज्यादा अच्छा पैकेज है और रेमुनेशन ज्यादा और भी ज्यादा टेस्ट प्लानिंग, जहाँ पे आप इंडिविजुअल का टेस्ट प्लानिंग कर सकते हैं या कोई बिजनेस का टेस्ट प्लानिंग कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा शेड्यूल है फ्यूचर में, अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में इसी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं जी, तो ये काफी अच्छी है। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ओनली, कि जैसे कि ये आपने बताया है एक डोमेन्स जो ओपन होते हैं टैक्सेशन के डेजिग्नेशन को लेकर, टैक्सेशन के जॉब रोल को लेकर यूएस टैक्सेशन के, तो इंडिविजुअल टैक्सेशन जैसे कि अगर हम करिकुलम के स्पेसिफिक बात करें, या कॉरपोरेशन टैक्सेशन या रिप्रेजेंटेशन, किसमें सबसे ज्यादा स्कोप है, एंड इसको अगर हम एक रैंकिंग करें तो वो भी आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आई बिलीव एवरीबडी वुड बी यू नो लाइकिंग टू नो दिस फैक्ट। या सबसे ज्यादा स्कोप इंडिविजुअल और बिजनेस कैपिटल में हाईली स्कोप है, ओके स्पेशली आप स्टार्टिंग अगर आप ऐसा पेशा ज्वाइन करते हैं तो इंडिविजुअल कैपिटल एक अच्छा है जहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कैपिटल में कुछ बेसिक रिटर्न भी होते हैं जो ऐसे आप कैसे ट्रेनी बन के सीख सकते हैं और उसको वर्क कर सकते हैं। एंड बिजनेस कैपिटल क्वाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं इस कम्पेयर टू इंडिविजुअल कैपिटल, सो वहां पे आप 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप बिजनेस कैपिटल में भी आप जा सकते हैं और उसका भी बहुत हैवीली स्कोप है। एंड आपको एक बार 5 साल या 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है उसके बाद आप उस पे जा सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंटेशन इन IRS वेयर यू हैव टू, क्या होता है कभी कभी इंडिविजुअल्स को या कॉर्पोरेट्स को नोटिस मिलती है IRS से, तो वहां जी पे आपको ऐसा उनका इंडिविजुअल या तो फिर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना होता है IRS की जूरी के सामने, और यू हैव टू कंडक्ट अ सेशन और यू हैव टू बन टाइप ऑफ केस की तरह भी बात होती है, जहाँ पे आपको केस उनके उनकी यहाँ पे आपको केस लड़ना पड़ता है कि जितनी पेनल्टी लगी है मेरे मेरे क्लाइंट को उतनी पेनल्टी नहीं देनी चाहिए या उनको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए उस टाइप से। अगर मैं डायरेक्टली रैंकिंग की बात करूं तो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस टैक्स रिटर्न में सेकंड नंबर पर अपॉर्चुनिटी है, एंड रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा लो स्कोप है क्योंकि ये जनरल जनरल उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों को 10 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जी क्वाइट बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसमें, तो इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न, बिजनेस टैक्स रिटर्न एंड देन रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही उस फील्ड का आपको एक पेक्यूलर नॉलेज मिलता है हाँ रिप्रेजेंटेशन का, जब आप हाँ इसके लिए एक जॉब रोल में एलिजिबल माने जाते हैं। जी, सो आई हाँ बिलीव जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज जॉब इंटरव्यू के टाइम पे यूएस टैक्सेशन के, जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, एंड आई थिंक उसमें जो सेवरल सब डोमेन्स हैं, चाहे हम बात करें टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की, सबसे पहले टैक्स ट्रेनी की, फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, चाहे वो जूनियर या सीनियर प्रोफाइल पे हो, या फिर टैक्स प्लानिंग में, या फिर रिव्यूअल में, या टैक्स रिव्यूअल में अगर आप टीम लीड कर रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन्स में क्या क्या विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस की एक प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि एक इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू ही से पूछता है। जी, टू यू शीतल। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्स ट्रेनिंग, टेक्स ट्रेनिंग ऐसा पर्सन होता है जो फ्रेशर होता है जी जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलमोस्ट मिल है, हाँ थियरी नॉलेज है, वो थियरी नॉलेज उसको पता है कि कौन से फॉर्म फाइल करते हैं, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ऐसे पर्सन को जनरली वो लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 क्या होगा, उनका बेसिक आइडिया क्या है, उनका मीनिंग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या फिर टैक्स रिटर्न में इंडिविजुअल कौन सा टैक्स रिटर्न नंबर भरता है, बिजनेस वाले कौन से भरते हैं, टैक्स एग्जम्प्ट एंटिटी कौन से भरते हैं, उस टाइप से बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब जो लोग एक बार जिन लोगों को 1 ईयर या 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है वो लोग बनते हैं ऐसा टैक्स प्रिपेयर, अगर वो उससे अच्छे तरह के लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो उनको पूछे जाएंगे कुछ कुछ लिमिट से क्वेश्चन कि अगर आप इस चीज की लिमिट कितनी है, जैसे कि मैं पूछू आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है, आपको शेड्यूल ए में कितने बेनिफिट मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटम डिडक्शन में डिफरेंस क्या है, आपको शेड्यूल ई में कितना आपको पैसिव लॉस लिमिटेशन मिलेगा, उस टाइप के तो थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पे आएंगे तो वो टैक्स प्रिपेयर से पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप सीनियर टैक्स प्रिपेयर बन के जाएंगे या आप रिव्यूअर बन के जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वहां पे आपको रिपोर्टिंग आनी चाहिए कि अगर हम सॉफ्टवेयर में इस चीज को रिपोर्टिंग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मैं रेंटल इनकम की रिपोर्टिंग यहाँ पे करता हूँ तो उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या होगा और IRS के रूल क्या है उसको इफेक्ट करने के लिए, कितना मैं अपना लॉस लिमिटेशन सेटअप कर सकता हूँ, IRS कितना मेरे को इसके लिए टाइम देगा, पेनल्टीज क्या होंगी, अगर फिर टैक्स का एस्टिमेशन करना जरूरी होता है क्योंकि तो यूएसए में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है इंडिया की तरह ही, तो एस्टिमेशन करना होता है कि आप 1 साल में कितना इनकम करेंगे उस पर आपको कितना टैक्स होगा, तो उसका एस्टिमेशन करना। उसके बाद आपको लॉट्स ऑफ IRS की गाइडलाइंस होती हैं, उनके रिगार्डिंग आप टैक्स प्रिपेयर और टैक्स रिव्यूअर अपने क्लाइंट को आप कितना ज्यादा उनका टैक्स सेविंग कर सकते हैं, कुछ हद तक आप वहां पे भी जाओगे, तो ऐसे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन हाई लेवल पे आएंगे। और जब आप टीम लीड पे जाएंगे तो वहां पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, साथ में आपको आप टीम कैसे हैंडल करेंगे, आपकी आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, तो जी, वहां पे भी बात जाएंगी।
तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सीनियर लेवल पर आते हैं तो आपको टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना पड़ेगा। आपको जैसे कि यूएसए में मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक है सीसके टेक्सेस, ड्रैक है, यूटेक्स है, अल्ट्रा टेक्स है, लजार्ड है, टेक्स एप्टेक, जो ये सात आठ बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है, प्रो सीरीज है इंट्रोइ की। इसमें से आपको कम से कम 2 से 3 सॉफ्टवेयर का आपको अच्छा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तो एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कि आपको उसको अच्छी पकड़ है। क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने सॉफ्टवेयर होंगे ना उनमें क्वाइट क्वाइट डिफरेंस होता है 10 to 20% का रिपोर्टिंग में। तो वो भी एक चीज है कि जितना सॉफ्टवेयर आपको नॉलेज होगा, जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, आपको लिमिट से आ जाए आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और बिजनेस रिटर्न में बात करो तो बिजनेस रिटर्न में थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग आता होगा तो बेटर है, क्योंकि बिजनेस रिटर्न में आपको अकाउंटिंग का आपका बेसिक क्लियर होंगे तो आपको उनमें जनरल लेजर रिव्यू करना होता है। और उसमें एक्सपर्ट दी जनरल लेजर रिव्यू करने के बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं IRS और गैप के, गैप में डिफरेंस होता है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग आती होगी बिजनेस में, तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा स्कोप है बिजनेस में और सैलरी तो अच्छी खासी है ये। सो ये थे हमारे साथ शीतल जी, जिन्होंने अपना जो है इनॉर्मस नॉलेज जो है एक शॉर्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने का एक जो एंडेवर लिया है। एंड लेट मी टेल यू अगेन एंड कंग्रेचुलेट यू वन मोर टाइम कि इनका जो है एज अ सीनियर टेक्स प्रिपेयरर कॉन्फ्रेंस में जो प्लेसमेंट भी हुआ है, और इन्होंने अपनी जो जर्नी है जो टैक्सेशन के, यूएस टैक्सेशन के स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई थिंक इसमें हमें बहुत नॉलेजेबल जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या स्कोप है, तो इसको हमने शॉर्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने का एक छोटा सा एफर्ट किया है। थैंक यू सो मच शीतल फॉर शेयरिंग योर यू नो प्रेशियस टाइम फॉर यू नो स्पेसिफिकली यू नो इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द थिंग्स इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।